चलो आज गोवा के प्रसिद्ध अगुआदा किले की सैर करते हैं। यहाँ पे व्हीकल एंट्री फी पहले से ही देना पड़ता है, उसके बाद में ही पार्किंग की सुविधा मिलती है। पार्किंग बहुत बड़े स्पेस में उपलब्ध है। हमें फोर्ट में एंटर होने के लिए टिकट लेना पड़ेगा और टिकट लेके हम फोर्ट में एंटर करते हैं। इस किले का निर्माण 17वीं सदी में पोर्चुगीज ने किया था। इस चैनल आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अरेबियन तट के किनारे बने हुए किले जैसे सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग और इस अगुआड़ा किले के मेन गेट दूर से दिखाई नहीं देता। पोर्चुगीज ने भी उसी डिजाइन का सहारा लेते हुए इस किले का निर्माण किया जिसका गेट दूर से दिखाई नहीं देता। कोकन में पाए जाने वाले लाल पत्थर की मदद से इस किले को बनाया गया है। इस फोर्ट में दाखिल होने के लिए हमें कुछ स्टेयर्स की मदद लेनी पड़ती है। ऊपर में दाखिल होते ही हमारे सामने यह विशालकाय सिलेंड्रिकल एक ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। अगुआदा फोर्ट का वह प्राइमरी डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है। आगे अरेबियन सी का विशाल समुद्र हमारे सामने एक अद्भुत नज़ारे की तरह पेश करते हैं। अगुआदा इस वर्ड का मीनिंग फ्रेश वाटर होता है पोर्चुगीज लैंग्वेज में। इस फोर्ट का नाम अगुआदा इसीलिए है क्योंकि इसमें एक फ्रेश वाटर स्प्रिंग पाया गया था। इस किले के ऊपर से दिखाई देने वाले गोवा के कुछ दृश्यों को हम काफ़ी दिनों तक याद रखेंगे। इस फोर्ट को देखने के लिए हजारों की तादाद में फॉरेन टूरिस्ट और लाखों की तादाद में इंडियन टूरिस्ट हर साल यहां आते हैं। इस फोर्ट का निर्माण एक हिल टॉप पे है और उसी हिल टॉप पे फ्रेश वाटर पाया गया था, इसीलिए इसका नाम अगुआदा फोर्ट। अगुआदा फोर्ट की और एक विशेषता है कि यह एक बर्ड वॉचिंग सेंटर भी है जहां पर बहुत सारे स्पीशीज के बर्ड्स पाए जाते हैं। बर्ड वॉचिंग प्रेमी यहां से बाज, ईगल, काइट जैसे कई प्रजातियों को देख सकते हैं। पीरियडिकली इस फोर्ट का मेंटेनेंस भी होते रहता है। औरंगाबाद के देवगिरी फोर्ट की तरह यहाँ पर भी इस फोर्ट को चारों तरफ से एक बहुत बड़ा नहर खोदा गया है जो कि एक नेचुरल सेफ्टी की तरह काम करता है। इस नहर को क्रॉस करना इतना आसान नहीं होता है। इस फोर्ट के ऊपरी मंजिल एकदम सपाट होने की वजह से हम काफी टहल सकते हैं। समर सीजन में आपको काफी धूप लग सकती है और उसी तरह मानसून सीजन में बहुत सारी बारिश लगेगी। यहाँ पर शेल्टर नहीं के बराबर है, इसीलिए आप जब भी इसे विजिट करोगे अम्ब्रेला दोनों सीजन के लिए सही रहेगा। गोवा में कई लोकेशन और अगुआड़ा जैसे फोर्ट में फिल्म की शूटिंग होती है। कुछ बहुत ही फेमस और लोकप्रिय फिल्म जैसे दिल चाहता है, गोलमाल सीरीज, सिंगम सीरीज गोवा में फिल्माए गए हैं जहां पर अगुआड़ा फोर्ट का बहुत सारा लोकेशन दिखाया गया।
अगुआदा फोर्ट के बगल में ही अगुआदा लाइटहाउस भी है, जहां विजिट करना अनिवार्य है। अगुआदा फोर्ट के उस ओर राजभवन, डोनापोला बीच और मिरमार बीच दिखाई देता है। अगुआडा फोर्ट के टॉप पर से अरेबियन सी के जहाज और कुछ वाटर स्पोर्ट्स करते हुए लोगों को देखने का आनंद कुछ और ही है। अगुआडा फोर्ट घूमते हुए आप थक जाओगे, इसलिए पानी लेके जाना न भूलना। वैसे उस जगह पे कूलर रखा है। इस किले का महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि एक जलाशय इस किले के अंदर बनाया गया है। यह जलाशय और फोर्ट में बने हुए इतने सारे रूम्स, जो स्टोर रूम का भी काम करते हैं, विदेशी आक्रमणकारियों के लिए एक सेफ हाउस बना हुआ था। आगे चल के इस स्वच्छ जलाशय को विदेशी शासकों ने अपने आदर्श प्रशासनिक नीतियों का एक उदाहरण माना था। यह जलाशय अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। सैलानियों के लिए अगुआडा फोर्ट का एक मॉडल रखा गया है, जहां पर इस फोर्ट का पूरा इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। फोर्ट में बना हुआ सेंट्रल वॉच टावर से आप फोर्ट, तट और समुद्र पे पूरी तरह से वॉच रख सकते हैं। इन्हीं वजह से यह एक डिफेंसिव और मिलिट्री सिग्निफिकेंट फोर्ट में शामिल है। फाइनली हम अगुआदा फोर्ट का पूरा निरीक्षण करने के बाद में एग्जिट की ओर बढ़ जाते हैं। एग्जिट गेट की तरफ एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, जहां पर गोवा के कुछ प्रसिद्ध स्थलों के फोटो लगे हैं। यह टूर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट जरूर कीजिए, शेयर करना ना भूले। इस फोर्ट के विजिट करने के बाद में हम चलेंगे अगुआदा लाइटहाउस। अगुआदा लाइटहाउस के बाद में हम चलेंगे अगुआदा प्रिजन, जो कि अगुआदा फोर्ट के नीचे बना हुआ है, जिसे म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है। दोनों ही वीडियो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। प्लीज आप विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।